तो जो है 84 कोष में परलक्षित होता है, 84 कोष में फैला हुआ है। अच्छा 84 कोष को 83 क्यों नहीं, 82 क्यों नहीं, 81 क्यों नहीं, क्यों? ब्रज की महत्वता को जानना चाहते हो और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो मैं एक बात कहता हूँ कि तुम ब्रज में जाओ। अच्छा, और ब्रज में जाकर के उस ब्रज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज का जो आश्रय लेता है, ब्रज का जो भरोसा रखता है, उसे फिर आप कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। तो राधे राधे भैया। राधे राधे जी। भैया जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उनको अपना परिचय आप जरूर दें। मेरा नाम आचार्य जगदीश प्रसाद उपाध्याय है और मैं गांव ऊंचा गांव से ही मेरा जन्म स्थान है, यहीं से मैं संबंध रखता हूं। तो आज भैया जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि लोग जितने हैं वो ब्रज के लिए बहुत लालायित हैं, ब्रज का मतलब क्या है, ब्रज में लाखों करोड़ों भक्तजन आकर के यहाँ पर अपने जीवन को धन बनाते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो ब्रज के कणकण में भगवान परम ब्रह्म भगवान श्री गोविंद का यहाँ पर निवास है ऐसा माना गया है। अनेक ग्रंथों में, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में, भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन कहा गया है। भागवत का एक मंत्र आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, मैं जरा आपको सुना रहा हूँ। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रजुच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदम व्ययम्। अर्थ है कि जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों अतीत से भी जो ऊपर है वो कौन है? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है जी। जो वो जहाँ पर रहे हैं उसी का नाम ब्रज है। वैसे अगर हम साधारण अर्थों में समझें तो ब्रज का मतलब होता है परिधि, एक गोला आकार, एक जो व्यास है उसको ब्रज कहते हैं। अच्छा, ब्रज 84 जो कोष है, 84 कोष में ब्रज का पूर्ण रूप से व्यापक विस्तार है। तो भैया जी, ब्रज का बहुत ही सुंदर अर्थ आपने हमको बताया और दर्शकों तक बताया जी। हाँ, लेकिन जो हमारी ब्रज की जो मिट्टी है जी, इसमें क्या ऐसा गुण है कि साधु संत यहाँ पे आके इसमें लोट लगाते हैं? आपने देखा हाँ। होगा वृंदावन में देखते हैं संत जी, हैं जी, कितना इतना प्रभाव है हमारी जो ब्रज की मिट्टी का, क्या ऐसा है इस ब्रज की मिट्टी में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और इस प्रश्न के उत्तर से बहुत भक्त लाभान्वित होंगे कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। एक बार जो मुक्ति देने वाली है अर्थात जो मृत्यु देवी है, भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभो ये बताओ कि मैं इस मृत्यु लोक के जीवों को जो जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसे मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। मुक्ति का मतलब केवल मरना ही नहीं हुआ, मुक्ति का मतलब है जिसको आत्मिक ज्ञान हो जाए और अच्छे बुरे का ज्ञान होकर के जब वह भगवान के धाम को जाता है तो जिस जैसा जिसका कर्म है कर्म के अनुसार उसको सुख अथवा दुख उसको मिलते हैं। तो उसने मृत्यु देवी ने कहा कि मैं जीवों के कल्याण के लिए उन्हें मुक्ति प्रदान करती हूँ जैसा जीव जो कर्म करता है, लेकिन मेरी मुक्ति का साधन क्या है? तो भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि देखो मुक्ति देवी, यदि तुम अपना कल्याण चाहती हो जी, कल्याण का मतलब है कि तुम ब्रज की महत्वता को जानना चाहते हो और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो मैं एक बात कहता हूँ कि तुम ब्रज में जाओ। अच्छा, और ब्रज में जाकर के उस ब्रज की रज को अपने सिर पर धारण करो। तो जब सिर पर धारण आप करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम जीवों को मुक्ति देने वाली तुम खुद भी मुक्त हो जाओगी। तो ब्रज के कणकण में मेरे प्रभु श्री कृष्ण का वास है, आलादनी शक्ति श्री राधा रानी का वास है,
इस प्रकार ब्रज की कण का बहुत महत्व है, ब्रज की रच का बहुत महत्व है। तो यही कारण है कि जो हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं जी, यहाँ पे लालायित रहते हैं ब्रज के लिए। और आप देखेंगे बहुत सारे पर्यटन भी हैं और भक्त भी हैं जो ब्रज में हमेशा आना चाहते हैं जी। तो ऐसा ना, जितने भी पर्यटक हैं आज हमें जो सुन रहे हैं, तो ब्रज का मतलब केवल वृंदावन ही नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि केवल वृंदावन चले गए, बोले ब्रज का हो गया। वृंदावन ब्रज का केंद्र है, लेकिन ब्रज तो जो है 84 कोस में परलक्षित होता है, 84 कोस में फैला हुआ है। अच्छा, 84 कोस को 83 क्यों नहीं, 82 क्यों नहीं, 81 क्यों नहीं? क्योंकि योनियों का जो जीव जो जन्म लेता है, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि गर्भे जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को पाना, फिर माँ के गर्भ में आना, इस मुक्ति के उपाय के लिए भगवान ने कहा है कि इस 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में बार 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 जन्म लेने मरने के चक्कर से, ब्रज में जो एक बार ब्रज का आशीर्वचन ले लेता है या ब्रज का जो आश्रय ले लेता है, उसे फिर बार बार इस योनि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, वो सीधे भगवान के श्री चरणों का निवास मिलता है। इसलिए ब्रज का बहुत महत्व है। ब्रज के साधु संत, ब्रज में आने वाले जितने भक्त हैं, वो ये चाहें कि जैसे लोग कहते हैं कि काशी में जाकर के हमें मुक्ति मिल जाएगी, काशी में जाकर के मुक्ति भले ही मिल जाएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो चरणोदक है, भगवान श्री कृष्ण का जो चरण पग नख का यहाँ की जो मिट्टी की जो धूल है, वो काशी से भी ऊपर मानी गई है। जबकि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज का जो आश्रय लेता है, ब्रज का जो भरोसा रखता है, उसे फिर आवागमन के कुचक्र के लिए हमेशा दूर चला जाना होता है। काशी में जा कर के उसे मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति के बाद हो सकता है कर्म के अनुसार फिर उसे मृत्यु लोक माना पड़े। लेकिन जो ब्रज का आश्रय ले लेता है, वो तो फिर भगवान की उस वैकुंठ लोक को चला जाता है, जहाँ पर ना कभी आना होता है ना जाना होता है, और भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के परम गोविंद पद के प्राप्त हो जाता है, गोविंद का पद प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन बताया गया है। तो भैया जी, इतना सुंदर भाव हमारे ब्रज के बारे में आपने दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी। अब जैसा हमारे गुरुजनों ने और भक्त लोगों ने हमें जैसा बताया है, वैसा हमने आपके सामने ये बात कही है।